हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, परिवहन मंत्री बोलचंद शर्मा जी का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शहीद अमित देसवाल के नाम पर बस अड्डे का नामकरण किया है। आज एक और अच्छी बात, क्योंकि शहीद बहुत हैं हमारे इलाके में, प्रदेश में भी बहुत शहीद हैं, सब शहीदों का नाम उतना नहीं हो पाता, बहुत संस्थाओं के नाम उनके नाम पर नहीं हो पाते, तो आज यहाँ के GM NK गर्ग जी से ने ये हामी भरी है, मैंने बात की उनसे कि जो शहीदों के गांव से बसें आती हैं उन पर उन शहीदों के चित्र बनवाकर उनके नाम से एक्सप्रेस बसें उनका नामकरण करेंगे, ये और भी अच्छी बात हुई। देखिए, वीरों का नाम, वीरों की शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ियों में शौर्य बढ़ाती है, वीरता बढ़ाती है, इसलिए जितना ज़्यादा वीरों का नाम, शहीदों का नाम, बलिदानियों का नाम होगा उतना ही ज़्यादा जो है हमारी नई पीढ़ी तेजस्वी बनेगी। एक आग्रह मैंने सभा में भी किया है, मीडिया के माध्यम से भी करना चाहता हूँ कि पंचायत मंत्री के नाते जब मुझे मौका दिया था इलाके ने, तो हर गांव में मैंने ग्राम गौरव पट लगवाए थे और वो आधे से अधिक गांवों में लगे हुए हैं। उन गौरव पटों के आसपास का जो स्थान है उसको सुंदर रखें, गौरव पटों को साफ सुथरा रखें। कई बार कोई भाई उन पर पोस्टर लगा देता है, कई बार कोई उनके आसपास जो है वो उपले गोसे पात देते हैं, उस पर गाँव के वीरों के नाम है, शहीदों के नाम है, बलिदानियों के नाम है। मेरा निवेदन है एक्स सर्विसमैन से, पूर्व सैनिकों से, कि कोई ना कोई कमेटी बना के ऐसे शहीदों के जितने भी स्मारक हैं उनके आसपास सौंदर्यकरण का काम, उनको गौरवपूर्ण रखने का काम जरूर करें, ये प्रार्थना मैं मीडिया के माध्यम से भी करना चाहता हूँ। मैं एक तो धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और परिवहन मंत्री जी का कि जो एक शहीद का एक सम्मान, मेजर अमित देसवाल मेरे गांव से था, मेरा भाई था, और शहीद ना किसी गांव के होते, ना किसी जाति के होते, ना किसी धर्म के होते, ये आज जो सम्मान दिया शहीद के लिए, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से मेजर अमित देसवाल जी ने जो अपनी शहादत दी थी, उन्होंने देश के लिए उन 10 जवानों को भी बचाया था जिनको पीछे धकेलने का काम किया, और खुद आतंकवादियों से जिन्होंने मुठभेड़ की और आतंकवादियों को मार गिराया, और जिसको 24-25 गोलियां लगने के बाद भी फिर वो देश के लिए लड़ाई लड़ता रहा, ऐसे वीर सपूत को उनको मैं उनके चरणों में शीश झुका के उनको प्रणाम भी करता हूं और उनको सलूट भी करता हूं कि ऐसे देश भगत जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और जो एक माहौल है देश के प्रतीक, जो एक आतंकवाद का माहौल, चाहे वो चाइना है चाहे पाकिस्तान है, जिस प्रकार से हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश की, पर हमारे देश के वीर जवानों को मैंने एक बात आज भी कही है कि मैं असली देश के नेता और असली हीरो देश के शहीदों को, देश को उन वीर शहीदों को मानता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो हमारी रक्षा करते हैं, मैं उन सबको असली नेता और असली हीरो मानता हूँ, उनको मैं सबको सलूट करता हूँ।